हेलो फ्रेंड्स मैं सुषमा कुहाड़ वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं न्यू बोर्न बेबी से लेकर सिक्स मंथ के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर बूट बना कर लाई हूँ आज मैं आपको ये बेबी बूट बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाए गए हैं फ्रेंड्स ये बूट देखने में जितने सुंदर हैं उतने ही बनाने में बहुत आसान है ये बूट हमारे यहाँ बोटम से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर इसका एंड होता है तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाए गए हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए मैंने ये तीन प्लाई वाली ऊन ली है और इसमें मैंने नौ नंबर की सिलाई यूज की है और यहां पर मैंने सिंगल धागे से इकतीस फंदे डाल लिए हैं इसमें डबल धागा नहीं करना है सिंगल धागे से ही थर्टी वन फंदे डाल लीजिए और फंदे आपके इतने लूज होने चाहिए ऊन आपकी चाहे तीन प्लाई वाली हो चाहे आपकी नॉर्मल वर्तमान की हो आप न्यू बोर्न बेबी से लेकर सिक्स मंथ के बेबी के लिए आप यहाँ पर इकतीस फंदे हल्के लूज हाथ से डाल लीजिए फंदे डालने के बाद देखिएगा अब कैसे करेंगे पहले हम दो फंदे इसमें से सीधे बनाएंगे सिलाई हमने पूरी सीधी बनानी है सिर्फ अब हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं तो ये देखिएगा इस तरह से दो फंदे सीधे बनाएंगे धागे को अब अपनी तरफ करेंगे इकतीस में से हमने दो फंदे यहाँ सीधे बनाए हैं तो एक जाली हमें यहाँ पर बनानी है तो अब हम देखिए धागा अपनी तरफ है और तेरह फंदे सीधे बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह तेरह फंदे सीधे बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहां पर भी जाली से फंदा बढ़ गया अब फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और तेरह फंदे सीधे बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह अब ये देखिए तेरह फंदे सीधे बनाने के बाद लास्ट में दो फंदे बचे हैं धागा अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे भी हम सीधे बना देंगे इस एक सिलाई में हमने चार जालियाँ डाल दी हैं तो चार फंदे बढ़ गए हैं अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई पर ये दूसरी सिलाई भी हम इसकी सीधी सीधी बनाएंगे लेकिन जो हमने जाली बनाई है उसको ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे ये दो फंदे यहाँ पर सीधे बनाएंगे पहले पहले फंदे को आप चाहो तो स्लिप भी कर सकते हैं मैं हमेशा ही बना कर लेती हूँ तो ये दो फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए ये जो जाली से बढ़ाया हुआ फंदा है अगर हम इसको ऐसे बना देंगे तो यहाँ पर छेद बनेगा लेकिन अगर इस जाली को हम बैक साइड से इसमें ऐसे सिलाई डाल लेंगे और फिर इसको सीधा बुनेंगे तो यहाँ पर ये जो जाली का छेद होता है ये भर जाएगा फिर से हम तेरह फंदे सीधे बुनेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स जाली के बाद मैंने तेरह फंदे सीधे बना लिए हैं अब देखिए एक जाली हमारी यहाँ पर है और इस एक फंदे के एक इधर है तो इस जाली को भी हम अगर ऐसे बुनेंगे तो छेद बनेगा इसको हम बैक साइड से ऐसे लेंगे और इसे यहाँ पर सीधा बुन देंगे तो ये छेद भर जाएगा फिर ये एक फंदा बीच वाला सीधा बुनेंगे फिर से हमारी जाली है तो जाली को बैक साइड से सिलाई डाल के सीधा बुन देंगे फिर हम तेरह फंदे सीधे बनाएंगे और जो हमारी दो फंदे से पहले जाली है उसको भी बैक साइड से सीधा बुनेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स दो सिलाइया इसमें हमने कंप्लीट कर दी हैं अब हम इसकी तीसरी सिलाई पर है इसमें हमें फिर से जाली से फंदे बढ़ाने हैं तो पहले हमने दो फंदे के बाद जाली डाली थी लेकिन अब हम तीन फंदे के बाद जाली डालेंगे देखिए एक दो और ये तीन क्योंकि जाली से यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ गया है धागे को अपनी तरफ करेंगे और तेरह फंदे हम यहाँ पर सीधे बना देंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह तेरह फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे अब हम यहाँ पर तीन फंदे सीधे बुनेंगे देखिए धागा अपनी तरफ है क्योंकि हमने जब दोनों साइड जालियाँ डाली थी तो दो फंदे बढ़ गए थे देखिए एक दो और ये तीन तीन फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और तेरह फंदे सीधे बनाएंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स तेरह फंदे हम इस तरह से सीधे बुन लेंगे अब यहाँ लास्ट में हमारे तीन फंदे बचे हैं धागा अपनी तरफ करेंगे और ये तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे तो इस सिलाई में भी अब हमारी चार जालियां डली हैं तो चार फंदे हमारे बढ़ गए हैं अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर और चौथी सिलाई पर वैसे इसमें उल्टा सीधा सब एक समान ही होता है लेकिन ये इसकी फोर्थ सिलाई है अब ये सिलाई भी हमारी पूरी सीधी बनेगी लेकिन जो हमने जालियाँ डाली हैं उनको हम बैक साइड से बनाएंगे तो देखिए तीन फंदे सीधे बनाने के बाद ये जो जाली है इसमें बैक साइड से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और इसको सीधा बुनेंगे फिर हम तेरह फंदे सीधे बना देंगे तेरह फंदे सीधे बनाने के बाद इसमें हमारी जाली आएगी इसको हमें बैक साइड से सीधा बुनना है दो बार हमारी इसमें जालियाँ बनी हैं दो बार और हम ऐसे ही जब सिलाइयाँ बुनेंगे तो इसमें हमारे सोलह फंदे टोटल बढ़ जाएंगे क्योंकि जब हम एक बार में फंदे बढ़ाते हैं तो चार फंदे बढ़ते हैं अब देखिए ये दूसरी बार के बढ़ाए हुए फंदे हैं ये जो जाली है इसको हम ऐसे बैक साइड से सिलाई डालेंगे ऐसे करके और इसे सीधा बुन देंगे तो देखिए यहाँ से छेद भर गया अब तीन फंदे सीधे एक दो तीन और तीन के बाद ये जो जाली है इसमें हम बैक साइड से सिलाई डालेंगे और इसे सीधा बुन देंगे अब फिर से तेरह फंदे सीधे बुनने के बाद जाली आएगी उसे हम बैक साइड से बुन देंगे और फिर लास्ट के तीन फंदे भी सीधे बनाएंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स दो बार फंदे हमने बढ़ा दिए हैं अब सेम तरीके से दो बार और बढ़ाएंगे ये आपने ध्यान रखना है अब जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में दो फंदे रखे थे लेकिन अब हमारे यहाँ चार फंदे सीधे बनेंगे क्योंकि दो बार जाली से हम बढ़ा चुके हैं तो देखिए दो तीन और ये चार चार फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करके हम तेरह फंदे सीधे बनाएंगे फिर बीच में पाँच फंदे बचते हैं जो धागा अपनी तरफ करके उनको हम सीधा बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और तेरह फंदे बनाएंगे तो ये आपने ध्यान रखना है जो फंदे बढ़ते हैं यहां अब आपके चार हो गए हैं बीच में आपके पांच हो जाएंगे जब इसकी आप चौथी बार फंदे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपके पांच फंदे सीधे बनाने के बाद जाली आएगी फिर तेरह फंदे सीधे बनाइए फिर बीच में आपके सात फंदे होंगे और फिर आपके लास्ट में तेरह और आखिर के जो फंदे आएंगे वही पांच से पहले जाली बन जाएगी तो ये तीसरी बार की और फिर मैं इसमें चौथी बार की सारी जालियां कंप्लीट करके चार बार बढ़ाने से सोलह फंदे बढ़ेंगे इकतीस फंदे हमने डाले थे चार बार बढ़ाने से इसमें फोर्टी सेवन फंदे हो जाएंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें चार बार फंदे बढ़ा लिए हैं तो अब मेरे पास यहाँ पर फोर्टी सेवन फंदे हो गए हैं और यहां से मैंने अपना ये सेकेंड कलर ज्वाइंट कर लिया है आप चाहो तो इसे एक कलर में बना लीजिए मैं इसे बची हुई ऊन से बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर ये डबल कलर की ऊन ली है थोड़ी सी ये मल्टी कलर में है कुछ ये सिंगल कलर में है तो यहाँ से मैंने अपना सेकेंड कलर ज्वाइंट कर लिया है अब देखिए कैसे बनाएंगे इसका जो ये वाला पार्ट है ये हमने बुन लिया है अब हम इसका ये वाला पार्ट बुनेंगे तो ये डिजाइन कैसे बनेगा देखिए एक फंदा हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे एक फंदे को हम इस तरह से धागा चढ़ा के ऐसे उतार देंगे फिर एक फंदे को उल्टा बुनेंगे फिर एक फंदे पर ऐसे धागा घुमाएंगे और इसे उतार देंगे फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर इसके ऊपर धागा घुमाएंगे और ऐसे उतार देंगे इस फंदे को बुनना नहीं है ऐसे ही उतार देना है ऐसे लेना है इसके ऊपर धागा घुमाएंगे और उतार देंगे फिर से ऐसे लेंगे देखिए और इसको उतार देंगे एक फंदा उल्टा बुन लेना है एक के ऊपर ऐसे धागा घुमा के और इसको उतार देना है फिर एक फंदा उल्टा बुनना है फिर ऐसे घुमा के उतार देना है पूरी सिलाई को अब ऐसे ही बुनते जाना है एक फंदा उल्टा बनाइए एक के ऊपर धागा घुमा के इसे उतार दीजिए ऐसे करते हुए मैं इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे करते हुए इसकी पूरी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है अब जाइए इसकी दूसरी साइड पर ये डिजाइन भी हमारा दोनों साइड से बिल्कुल सेम बनेगा अब ये देखिए ये जो पहला फंदा है इसको हम एस्टीच है उल्टा बुनिए या उतार लीजिए अब यहाँ से देखिए ये जो एक फंदे के ऊपर धागा घुमाया हुआ है इसको यहाँ हम दो का एक करके उल्टा बुन देंगे ये जो सिंगल फंदा हमने इस साइड पर बुना था अब की बार इसे हम ऐसे लेंगे और इसके ऊपर धागा घुमाएंगे और इसे उतार देंगे फिर ये जो एक फंदे के साथ एक धागा दिख रहा है इन दो का हम यहाँ एक कर देंगे जो ये सिंगल फंदा है जो कि हमने इस साइड पर बुना था अब इसके ऊपर हम धागा घुमाएंगे और उतार देंगे फिर ये देखिए एक फंदा और एक धागा है इन दो का एक करेंगे जो सिंगल फंदा है इसके ऊपर हम धागा घुमाएंगे और उतार देंगे अब हमें इस पूरी सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट करना है जो हमें एक फंदे के साथ एक धागा दिख रहा है उसको तो हम दो का एक करके बुन देंगे उल्टा और जो हमने इस साइड पर फंदा बुना था वो यहाँ पर सिंगल दिखेगा उसके ऊपर हम ऐसे धागा घुमा के उतार देंगे तो ऐसे करते हुए अब मैं इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इस डिजाइन की हमने दो सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं अब इन्हीं दो सिलाइयों को हम दोहराते जाएंगे तो इस तरह से ये जो इसमें फलियाँ नजर आ रही हैं ऐसा डिजाइन इसमें बनना शुरू हो जाएगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा तीसरी सिलाई है पहला फंदा एस्टिच है इसे उतारिए या उल्टा बनाइए अब देखिए यहां पर ये जो सिंगल फंदा आपको दिख रहा है इसके ऊपर हम इस तरह से धागा घुमाएंगे और इसे उतार देंगे अब ये जो डबल दिख रहा है एक फंदे के ऊपर धागा इन दो का हम यहाँ एक फंदा उल्टा बना देंगे फिर से सिंगल फंदा है इसके ऊपर हम धागा घुमाएंगे फिर ये जो दो दिख रहे हैं इन दो का एक फंदा उल्टा बनेंगे सारी सिलाइयाँ इसमें अब उल्टी उल्टी बुननी है दोनों साइड से लेकिन यही रखना है जो सिंगल धागा है उसके ऊपर धागा घुमा देना है जो डबल है उन दो का एक फंदा उल्टा बुनना है तो ऐसे करते हुए अब हम इसकी तीसरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे तो ये देखिए तीसरी सिलाई को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है अब आज ये इसकी चौथी सिलाई चौथी सिलाई ठीक दूसरी सिलाई के जैसे बनानी है एक बार अब इसे देख लीजिए फिर इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करना है एक फंदा ये एस टी सही से उतारिए या बनाइए अब ये जो डबल फंदा है एक फंदे के ऊपर धागा है इन दो का यहाँ एक करेंगे जो सिंगल फंदा है इसके ऊपर ऐसे धागा लपेट देंगे फिर जो डबल दिख रहा है उसको उल्टा बुनेंगे सिंगल फंदे के ऊपर धागा लपेट देंगे ऐसे करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे दोनों साइड से सिलाइयाँ बिल्कुल सेम सेम बुननी है तो ऐसे ही इन दो सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए मैं इसे देखिए यहाँ ये मैंने एक इंच बनाया है यहाँ से यहाँ तक तो मैं इसकी एक इंच की लेंथ बुन लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसे एक इंच तक बुन लिया है मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा मैंने एक इंच बुनाया है एक इंच बुनने के बाद अब हम इसका ये जो पंजे वाला पार्ट है ये बनाएंगे ये हमने नौ फंदे पर बनाया है तो हमारे पास टोटल फोर्टी सेवन फंदे हैं फोर्टी सेवन में से उन्नीस फंदे हमारे इधर होंगे उन्नीस फंदे इधर होंगे और नौ फंदे हमारे बीच में हो जाएंगे तो ये देखिए एक इंच बुनने के बाद इसमें आप सीधी साइड किसी भी तरफ से बना सकते हैं ये देखिए इधर से भी और इधर से भी ये दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा बनता है आप किसी भी साइड से इसकी सीधी साइड रख लीजिए तो मैं इस साइड से ही इसको सीधा बनूंगी तो उन्नीस फंदे हम पहले यहाँ उल्टे बुन लेते हैं देखिए एक और ये एक फंदे के ऊपर जो धागा लपेटा हुआ है इन दो का भी एक कर देंगे तो दो तीन चार और ये देखिए पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और ये उन्नीस जो हमारा लपेटा हुआ फंदा होता है उसका हमने दो का एक करते जाना है तो ये उन्नीस फंदे मैंने उल्टे बना लिए हैं अब देखिए यहाँ पर हमने जो नौ फंदे इसके बीच वाले पार्ट के रखने हैं उसमें से हम आठ फंदे बनाएंगे ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ अब हम धागे को पीछे करेंगे बीच वाले पार्ट का जो नौवा फंदा है उसे हम ऐसे लेंगे और पलट के इसको सीधा कर देंगे ये देखिए ये हमारा डबल फंदा था एक लपेटा हुआ एक धागा दोनों को ही हमने पलट के सीधा कर दिया है अब ये वाला और ये वाला इन दो फंदे में हम बैक साइड से सिलाई डालेंगे और यहाँ दो का एक फंदा बना देंगे यहीं से अब हम टर्न कर जाएंगे ये जो हमने दो का एक किया इसको हम स्लिप करेंगे तो नौ में से एक हमने स्लिप कर दिया सात हम उल्टे बुन लेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात तो एक स्लिप किया सात हमने बुन दिए तो आठ हो गए अब ये जो नौवां फंदा है इसको और एक फंदा इधर का इन दो का हम यहाँ पर एक फंदा ऐसे उल्टा बना देंगे अब हम यहीं से वापस टर्न कर जाएंगे ये जो हमने दो का एक किया इस फंदे को हम यहाँ पर स्लिप करेंगे और थोड़ा सा टाइट कर देंगे धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और सात फंदे उल्टे बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात अब वापस धागे को पीछे करेंगे ये देखिए ये वाला नौवा फंदा है और एक इधर से बैक साइड से इन दोनों फंदे में ऐसे सिलाई डाल लेंगे चाहे आपका लपेटा हुआ फंदा हो चाहे सिंगल हो इस फंदे को हमने ऐसे ले लेना है और दो का यहाँ से एक फंदा सीधा ऐसे बुन देंगे ये बैक लूप से ही आपने बुनना है फिर यहीं से हम टर्न कर जाएंगे ये जो दो का एक किया इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे और फंदे को टाइट कर देंगे अब सात फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात एक फंदा स्लिप कर दिया सात उल्टे बनाए तो आठ हो गए हैं ये जो नौवा फंदा है इधर वाले एक फंदे को साथ में लेकर यहाँ दो का हम एक फंदा बुन देंगे फिर हम यहीं से वापस टर्न करेंगे ये जो दो का एक किया इसको हम स्लिप कर देंगे और फंदे को थोड़ा टाइट रखेंगे धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और सात फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात फिर हम धागे को बैक साइड की तरफ कर देंगे देखिए ये नौवा फंदा है एक इधर से इन दोनों में बैक साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ हम दो का एक फंदा बना देंगे अब देखिए इधर से भी फंदे कम हो रहे हैं और इधर से भी हो रहे हैं तभी हमारा ये इसका पंजे वाला पार्ट बनेगा यहाँ से हम टर्न कर जाएंगे ये जो दो का एक किया इसे स्लिप कर देंगे और फंदे को टाइट रखेंगे अब सात फंदे हम उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात अब ये वाला फंदा नौवां फंदा होता है और एक इधर से लेंगे इन दो का यहाँ एक कर देंगे एक बार दोनों साइड से फंदे कम होने के बाद इसकी पहचान आपको ऑटोमेटिक हो जाएगी फिर यहीं से टर्न करना है ये जो दो का एक क्या इसे स्लिप करके थोड़ा टाइट कर देंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और सात फंदे उल्टे दोनों साइड से अब हम तब तक फंदे घटाएंगे जब हमारे यहाँ 12 से 13 फंदे आप इस साइड पर रख सकती हैं और 12 से 13 फंदे इस साइड पर ये प्लाई वाली ऊन है इसमें मैंने दोनों साइड पर 12-12 फंदे छोड़े हैं अगर आपकी नॉर्मल ऊन हो तो दोनों साइड पर तेरह तेरह फंदे रहने तक आप इसमें ऐसे ही फंदे घटा दीजिए तो ये देखिएगा एक बार यहाँ से फंदे को हम बैक साइड पर धागे को पहले करेंगे ये जो फंदा दिख रहा है नोवा फंदा है इस फंदे को आप चाहो तो पलट भी सकती हैं और आप चाहो तो ऐसे ही एक फंदा इधर का और एक ये दो फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल के दो का एक कर दीजिए और यहीं से देखिएगा आपने टर्न करना है जैसे कि हमारी इस बूटीज में ये सीधी लाइनें दिख रही हैं जिस फंदे पर हम दो का एक करते हैं ये उससे बनती हैं एक इधर और एक इधर फिर से हम टर्न करेंगे और इसको स्लिप करेंगे सात फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर से हम दो का एक करेंगे तो दोनों साइड पर बारह बारह फंदे रहने तक मैं इसमें ऐसे ही दोनों साइड से फंदे कम कर देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड पर इसमें बारह बारह फंदे बच गए हैं लास्ट बार हमने फंदा यहाँ पर कम किया है तो अब देखिएगा यहाँ से हमने सिलाई को बुनना शुरू किया था और यहाँ पर इसकी पहली घटाई हुई थी और लास्ट घटाई हमारी यहां पर हुई है तो यहीं से हम टर्न करेंगे क्योंकि देखिए ये वाले फंदे हमने उल्टे बुने हुए हैं तो अब यहां से इस फंदे को अब हम स्लिप कर देंगे धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और ये सात फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच सात अब देखिए इधर वाला फंदा हमने स्लिप किया था तो ये लाइन हमारी सीधी जा रही है तो ये वाला जो हम दो का एक करते थे धागा पीछे करेंगे और इसे हम यहाँ पर स्लिप कर देंगे इसको हम बुनेंगे नहीं धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे अब ये वाले जो बारह फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे तो यहां से बुनना शुरू किया था यहाँ पर सिलाई कंप्लीट होगी जो दो फंदे हैं उनका एक कर देना है जो सिंगल फंदा है उसे ऐसे ही उल्टा बुन देना है तो ये आप ध्यान रखिएगा जो फंदे के ऊपर धागा घुमाया हुआ है इन दोनों का अपने एक फंदा उल्टा बुनना है तो ये बारह फंदे अब हम यहाँ उल्टे बुन देंगे तो बारह एक साइड पर बारह एक साइड पर और नौ फंदे हमारे बीच में हैं तो बारह बारह चौबीस और नौ 33। अब हमारे पास टोटल यहाँ पर 33 फंदे बच गए हैं अब आज ये देखिए इसकी ये वाली अब हमारी उल्टी साइड हो गई है ये इसकी सीधी साइड हो गई है तो पूरी सिलाई को अब हम उल्टा उल्टा बुन देंगे धागा अपनी तरफ कीजिए और ये जो थर्टी थ्री फंदे हैं आप यहाँ पर पैंतीस भी रख सकती हैं मैंने 33 फंदे रखे हैं तो ये आप उल्टे बुन लीजिए तो ये देखिए उल्टी साइड की सिलाई को हमने बुन लिया है अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड से भी एक सिलाई इसकी हम पूरी उल्टी उल्टी बना देंगे तो धागा अपनी तरफ कीजिए सीधी साइड से भी सिलाई को उल्टा बुन लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स दो सिलाई यहाँ कंप्लीट होने के बाद जब हमने उल्टी बनाई तो ये एक लाइन इसमें आ गई है अब इसमें हम देखिए ये जाली वाला पोर्शन बनाएंगे जिसमें से हम डोरी डालेंगे ये डिजाइन भी बन जाएगा और इसमें से डोरी भी डलेगी तो उल्टी साइड से बनाइए या सीधी साइड से मैं इसमें उल्टी साइड से बना रही हूँ क्योंकि हमने दो सिलाइयाँ बनाई तो ये एक लाइन आ गई जिससे इसकी लुक अच्छी आएगी तो उल्टी साइड पर हैं देखिए पहले फंदे को इस तरह से हम बुन लेंगे आप चाहो तो इसे स्लिप भी कर दीजिए फिर हम एक फंदा और ऐसे उल्टा बुन देंगे तो दो फंदे बुनने के बाद सिलाई पर धागा लपेट देंगे और दो का एक करेंगे फिर से सिलाई पर धागा लपेट देंगे और दो का एक फंदा बना देंगे फिर सिलाई पर धागा लपेट देंगे और दो का एक कर देंगे सिलाई पर धागा लपेट देंगे और दो का एक कर देंगे तो जो फंदे हमारे कम हो रहे हैं वो साथ के साथ जाली से बढ़ रहे हैं तो जितने फंदे हैं उतने ही हमारे हो जाएंगे तो पूरी सिलाई को अब आपने ऐसे ही बुनना है सिलाई पर धागा लपेट दीजिए और दो का एक कर दीजिए और ऐसे करते हुए आप इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए तो लास्ट में भी देखिए जो दो काइ किया है वो पहले जाली से बढ़ गया अब बच गया हमारा एस्टिच इसे हम उल्टा बुन देंगे तो पूरी सिलाई में जाली बन गई है अब देखिए सीधी साइड पर हैं इस पूरी सिलाई को अब हम उल्टा उल्टा बुन देंगे जो जाली वाले फंदे हैं उनको भी उल्टा बनाइए और जो नॉर्मल हैं उनको भी उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये जाली डिजाइन बन गया है अब हम इस बोट का ये वाला पार्ट बनाएंगे तो इसमें देखिए एक दो तीन चार और ये पाँच इसमें मैंने ये दस सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई हुई हैं और दस सिलाइयों के बाद सारे फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं तो अब मैं इसमें दस सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के ये सारे फंदे बाइंड ऑफ करके फिर आपको दिखाती हूँ इसमें आप ऊपर एक कलर दो कलर जितने कलर लगाना चाहो वैसे लगा सकती है मैंने ये जो बॉटम वाला कलर है इसी से बनाया है तो अब मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बुटीज बन के तैयार हो गई है अब यहां से मैंने इस धागे को कट करके और सुई में डाल लिया है अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो सीधे हिस्से को ऐसे फोल्ड करेंगे ये देखिएगा अब ये हमारी सीधी साइड अंदर की तरफ चली गई है यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे और देखिए यहाँ तक सील देंगे फिर यहाँ से लेकर इसकी हम यहाँ तक सिलाई कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बहुत ही सुंदर सा हमारा ये बूट का पेयर बनके तैयार हो गया है अब इसमें हम डोरी डालेंगे तो ये देखिएगा इसके लिए मैंने ये दो डोरियाँ पहले से बना के रखी हुई हैं डोरी बनाना मैंने पहले भी कई बार आप सबको सिखाया हुआ है तो इस तरह से आप दो डोरी बना लीजिए एक बार की फुमन पहले लगाई जाती है दूसरी बार की बाद में तो अब हम इसमें डोरी डाल देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स डोरी डालने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा ये बूट का पेयर बनके तैयार हो गया है और छोटे बच्चों के बूट में डोरी डालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बूट में जब हम डोरी नहीं डालते हैं तो वो पैर से जल्दी निकल जाती है जब डोरी बांध देते हैं तो फिर ये बूट नहीं निकलते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको ये बूट पसंद आए हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू